हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक बैग आ गई है। अब इस बैग के अंदर क्या है वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा थंबनेल से। तो जी हाँ, इसमें एक ड्रोन होने वाला है जो कि बहुत ही सस्ता ड्रोन है, और इस ड्रोन में आपको बिल्ट इन कैमरा भी मिलने वाला है। तो आज इसी का रिव्यू होने वाला है, और इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, कैमरे की क्वालिटी कैसी है, कहाँ से आप लोग परचेस कर सकते हैं और प्राइस कितना है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो काफ़ी मज़ेदार है, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की बैग दी गई है, और बैग की क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगी। बाकी जिप को खोलते हैं और देखते हैं कि बैग के अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कंसोल मिल जाता है, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी बटन्स दी गई है। बाकी यहाँ पर आपको जॉयस्टिक मिल जाती है, और ऊपर साइड में आपको एंटेना मिल जाता है, और नीचे साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको मोबाइल होल्डर मिल जाता है, जिसमें आप अपने स्मार्टफोन को लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बैटरी दी गई है जो कि ड्रोन में लगने वाली है, और यहाँ पर माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद ये रहा अपना ड्रोन, और देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है और काफ़ी लाइट वेट है। बाकी इस तरह से आप इसको ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर बैटरी को इस तरह से इसमें इंसर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐप ऑपरेशन मैनुअल मिल जाती है, और इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। बाकी यहाँ पर QR कोड दिया गया है, जिसको स्कैन करके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट मैनुअल मिल जाती है, और उसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि किस तरह से इसको सेटअप करना है। तो सारी जानकारी यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाती है, और इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो ईजी रहेगा इसको यूज़ करना। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिल जाता है। अब इसका क्या काम है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर आपको मिल जाते हैं जो कि खराब होने पर आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक केबल मिल जाती है माइक्रो यूएसबी पोर्ट वाली, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर प्रोपेलर गार्ड्स मिल जाते हैं जो कि आप लगा सकते हैं, बाकी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं लगाना है तो भी चलेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको बैग में मिल जाती हैं, और यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, और इसका नाम है RCFPV। तो कुछ इस तरह की आपको एप्लीकेशन मिल जाती है। बाकी अब इसको पेयर करते हैं फ़ोन से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्रोन में आपको एक बटन दी गई है, इसको प्रेस करके होल्ड करना है, और देख सकते हैं यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रही है। अब इसको पेयर करते हैं फ़ोन से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में भी आपको लाइट मिल जाती है जो कि मस्त लग रही है। बाकी नीचे साइड में आपको कैमरा दिया गया है, जिसको आप मैनुअली रोटेट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं, अगर आपको नीचे का शॉट लेना है तो इस तरह से नीचे कर सकते हैं, बाकी अगर आपको सामने का लेना है तो इस तरह से फ्रंट में आप कर सकते हैं इसको। अब इसको पेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ़ोन के वाईफाई में जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई 4K लिखा हुआ आ गया है, इस पर टैप कर देना है और ये फ़ोन से पेयर हो जाएगा। तो एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का लेआउट मिल जाता है, और स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका कैमरा चालू हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी मिल जाती है। बाकी क्वालिटी यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, बस आपको ओके मिलती है। बाकी यहाँ से आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, और अगर आपको कंसोल यूज़ नहीं करना है तो आप फ़ोन से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो एक बार इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से ऑन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये अच्छे से चालू हो गया है, और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी बटन्स मिल जाती है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से ऑन कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लेफ्ट और राइट जाना है तो इससे आप कर सकते हैं, और इस तरह की आपको जॉयस्टिक मिल जाती है। बाकी यहाँ से आप एल्टीट्यूड को सेट कर सकते हैं, और कंसोल की बात करें तो यहाँ पर AA साइज़ की 3 बैटरी इसमें लगती है। बाकी स्मार्टफोन को इस तरह से इसमें लगा लेना है ताकि आप कैमरे के फुटेज को आराम से देख पाएं। बाकी इससे भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और यहाँ पर जॉयस्टिक को नीचे करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और ऊपर करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और इसमें भी आपको टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए बटन दी गई है, तो इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें, और ऊपर साइड में भी बटन दी गई है जो कि क्या काम करने वाली है वो तो उड़ाने के बाद पता चलेगा। तो अब चलते हैं आउटडोर में और इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आउटडोर में आ गया हूँ, और इसको उड़ाकर देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। हवा तेज चल रही है इसलिए थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। तो अभी आउटर में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, इसकी वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर है भाई, और काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गया है। बाकी इसको नीचे करते हैं।
कहाँ पर गिरा भाई? उधर अंदर गया। तो भाई साहब ये उड़ते उड़ते कहाँ पर चला गया है, और बस इसको ढूंढ रहा हूँ, शायद ये मिल जाए। और भाई फाइनली ये मिल गया, थैंक गॉड, क्योंकि आगे आप देखेंगे तो गंदा नाला बह रहा है, और अगर इसको चला जाता तो फिर मिलना मुश्किल था, बट लकीली ये मुझे मिल गया। तो अभी इसको उड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है और उसकी वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो भाई फाइनली मुझे ये मिल गया, और किस्मत अच्छी थी, वरना ये नाले में गिर जाता तो मिलना मुश्किल था। तो भाई इसको उड़ाने में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई और अच्छे से ये कंट्रोल हो रहा था, बाकी आज हवा तेज़ चल रही थी तो उसकी वजह से ये बैलेंस नहीं कर पा रहा था। और जब ये ज़्यादा ऊंचाई पर जाता है तो वहाँ पर ये कंट्रोल खो देता है और अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। और लकीली ये मुझे मिल गया, वरना ये मिलता नहीं और कहीं दूर जाकर गिर जाता। बाकी आप लोग इसको इंडोर में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके घर में बड़ा सा हॉल है तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बच्चों को भी दिला सकते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी सही डिवाइस है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो फन के लिए, मज़े लेने के लिए आप लोग इसको ले सकते हैं, काफ़ी सही डिवाइस है, और एज ए टॉय आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी कैमरे की बात करें तो यहाँ पर कैमरे की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और कैमरा बस नाम का है। तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए नहीं, बल्कि आप लोग फन के लिए इसको ले सकते हैं। और आप लोग कहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं, इसका प्राइस कितना है? तो इसका प्राइस है 3800 प्लस शिपिंग चार्ज, तो लगभग आप लोगों को 4000 में ये मिल जाएगा। और मैंने इसको इंस्टाग्राम के सेलर से परचेस किया है, जो कि ट्रस्टेड सेलर है, और उनके पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। बाकी आप लोग बताइए आप लोगों को ये कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय।